बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने स्टाइल, फैशन सेंस, ड्रेसअप, मेकअप और ट्रेंडी लुक्स के लिए काफी फेमस हैं। अपनी इन सब चीजों के लिए अभिनेत्रियां आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। जितने चर्चे अभिनेत्रियों की फिल्म को लेकर होते हैं, उतने चर्चे अभिनेत्रियों की शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी होते हैं, जो कि अपनी शादी में हुए एक्सपेंसिव खर्चों के लिए आज भी मशहूर हैं। पर क्या आप जानते हैं इन अभिनेत्रियों ने अपनी शादी में कितना एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव मंगलसूत्र पहना था? जी हाँ, इन अभिनेत्रियों ने अपनी शादी के मौके पर इतना एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था जिसे बनवाने के पैसे की बिल्कुल किल्लत नहीं की गई। और यकीन मानिए, इन एक्सपेंसिव मंगलसूत्र की कीमतें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों के एक्सपेंसिव मंगलसूत्र के बारे में बताएंगे जिनकी कीमतें आपके होश उड़ा देंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर नाम आता है प्रीति जिंटा का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की डिंपल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा ने साल 2016 में फाइनेंशियल एनालिस्ट जेने गुडेनफ के साथ शादी रचाई थी और इस मौके पर प्रीति जिंटा ने तकरीबन 51 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था। नंबर 2 पर नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। बॉलीवुड विद हॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में हॉलीवुड स्टार निक जोनस से शादी रचाते वक्त तकरीबन 50 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था, जिसमें प्रियंका काफी खूबसूरत नजर आई थी। नंबर 3 पर नाम आता है नेहा धूपिया का। नेहा धूपिया ने भी साल 2018 में अभिनेता अंगद बेदी के साथ साथ घर बसाने के दौरान तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था, जिसे अंगद बेदी ने खुद डिजाइन करवाया था। नंबर 4 पर नाम आता है दीपिका पादुकोण का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण साल 2018 में रणवीर सिंह के साथ शादी रचाते वक्त 20 लाख रुपए के एक्सपेंसिव मंगलसूत्र में नजर आई थी, जिसमें काफी खूबसूरत लग रहे थे। नंबर 5 पर नाम आता है अमृता राव का। विवाह मूवी फेमस एक्ट्रेस अमृता राव ने साल 2016 में आरजे अनमोल के साथ घर बसाया था और इस शादी में अमृता राव ने तकरीबन 22 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र कैरी किया था। नंबर 6 पर नाम आता है ऐश्वर्या राय का। बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय भला एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहने से पीछे कैसे रह सकते हैं? इन्होंने साल 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ घर बसाते वक्त करीब 45 लाख रुपए का एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव मंगलसूत्र पहना था, जिसने इनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए थे। नंबर 7 पर नाम आता है जूही चावला का। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की चुलबुली और नटखट अदाकारा जूही चावला ने साल 2015 में सक्सेसफुल बिजनेसमैन जय मेहता से शादी रचाई थी और शादी के मौके पर जूही चावला ने तकरीबन 52 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था। नंबर 8 पर नाम आता है ट्विंकल खन्ना का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को अपना हमसफर चुनते वक्त कितने रुपए का एक्सपेंसिव और एक्टिव मंगलसूत्र पहना था, इस बात की तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से शादी रचाते वक्त तकरीबन 54 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था। नंबर 9 पर नाम आता है बिपाशा बासु का। हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने भी अपनी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इन्होंने साल 2016 में करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाते वक्त करीब 50 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र कैरी किया था। नंबर 10 पर नाम आता है सोनम कपूर का। अभिनेत्री सोनम कपूर हमेशा से अपनी खर्चीली चीजों को लेकर सुर्खियों में रही हैं और इसी प्रकार इनका मंगलसूत्र भी काफी चर्चाओं में रहा था, जिसकी कीमत तकरीबन 55 लाख। नंबर 11 पर नाम आता है अनुष्का शर्मा का। बता दें कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में क्रिकेटर विराट कोहली से शादी रचाई थी और इस मौके पर इन्होंने तकरीबन 52 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था। नंबर 12 पर नाम आता है करीना कपूर का। पटौदी नवाब की इकलौती बहू करीना कपूर ने साल 2012 में अभिनेता सैफ अली खान के साथ शादी रचाते वक्त तकरीबन 56 लाख रुपए का एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव मंगलसूत्र पहना था, जिसे बनाने में रूबी का इस्तेमाल भी किया गया था। नंबर 13 पर नाम आता है ईशा देओल का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जाने माने वाली अभिनेत्री ईशा देओल ने साल 2012 में अपने बचपन के दोस्त भरत तख्तानी को अपना जीवन साथी चुनते वक्त करीब 53 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र कैरी किया था, जिस पर ये काफी खूबसूरत नजर आई थी। नंबर 14 पर नाम आता है रानी मुखर्जी का। साल 2014 में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाने वाली अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपनी शादी के मौके पर करीब 48 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था, जो कि काफी अट्रैक्टिव था। नंबर 15 पर नाम आता है नेहा कक्कर का। 24 अक्टूबर 2020 को राइजिंग स्टार रोहन प्रीत सिंह के साथ अपना घर बसाने वाली सुपरस्टार नेहा कक्कर अपनी शादी के मौके पर काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी के साथ नजर आई थी और इस बीच इनका मंगलसूत्र भी काफी कॉस्टली था, जिसकी कीमत तकरीबन 57 लाख रुपए बताई जा रही है। नंबर 16 पर नाम आता है शिल्पा शेट्टी का।
अपने शानदार लटको झटको से यूपी बिहार लूटने वाली अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 2 नवंबर 2002 को राजकुंद्रा के साथ घर बसाया था और इस मौके पर उन्होंने तकरीबन 30 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था। नंबर 17 पर नाम आता है काजल अग्रवाल का। जी हां, आपकी चहेती अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने कुछ समय पहले ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौतम किचलू को अपने हमसफर के तौर पर चुना था और इस मौके पर काजल अग्रवाल को तकरीबन 54 लाख रुपए के एक्सपेंसिव मंगलसूत्र के साथ देखा गया था। नंबर 18 पर नाम आता है विद्या बालन का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2012 में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ घर बसाते वक्त तकरीबन 46 लाख रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था, जिसे इंडिया के सबसे महंगे ज्वेलरी डिजाइनर ने डिजाइन किया था। नंबर 19 पर नाम आता है माधुरी दीक्षित का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मस्त मस्त गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने के साथ घर बसाते वक्त काफी एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव मंगलसूत्र पहना था, जिसकी कीमत तकरीबन 42 लाख रुपए बताई जाती है। नंबर 20 पर नाम आता है असीन का। जी हां, अपनी शादी में करोड़ों की डिमांड करने वाली अभिनेत्री असीन ने माइक्रोमैक्स को फाउंडर राहुल शर्मा के साथ घर बसाते वक्त तकरीबन 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंसिव मंगलसूत्र पहना था, जिसे डायमंड और गोल्ड से जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की इन टॉप एक्ट्रेस के एक्सपेंसिव मंगलसूत्र में से किस एक्ट्रेस के मंगलसूत्र की कीमत जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।